नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 12.1 इसका प्रश्न 4 हम करने जा रहे हैं। प्रश्न है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि वह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है या लगाता है। तो आइए बच्चों, हम इसे करके देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले पहिए का व्यास है 80 सेंटीमीटर और हमें पता है कि वृत्त के क्षेत्रफल के लिए हमें चाहिए होती है उसकी त्रिज्या। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। और बच्चों देखिए, त्रिज्या क्या होती है, यह होता है पूरा व्यास और इसका आधा होती है त्रिज्या। यानी व्यास है 80 सेंटीमीटर, उसका आधा यानी उसको 2 से भाग कर दो तो त्रिज्या आ गई 40 सेंटीमीटर। त्रिज्या है R। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए, कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी कि घंटा यानी 60 मिनट। तो 60 मिनट में कार चलती है 66 किलोमीटर। 66 किलोमीटर का मतलब हो गया 66 गुना 1000 मीटर। हमने यहां दो चीजें की हैं बच्चों, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे को लिखा है 60 मिनट, 66 किलोमीटर को लिखा है 66 गुना 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहां से 1 मिनट में यह आ गया 66 गुना 1000, 60 इधर गुना हो रहा है उधर आके भाग, 60 मीटर। ठीक है बच्चों। और हमें निकालना है 10 मिनट में, देखिए 10 मिनट में तय दूरी। तो हम यहां 10 मिनट में पहले कार की दूरी निकाल लेंगे, 10 मिनट। ठीक है बच्चों। तो ये हो गया 66 गुना 1000 बटा 60, ये एक मिनट का था, 10 मिनट के लिए इसको 10 से गुना कर देंगे। अब हमें इसे हल करना है तो देखते हैं। देखिए, 0 से 0 कट गया, 6 से कट गया 66, 11 छिके 66, तो हमारे पास आ गया 10 मिनट में तय दूरी कितनी आ गई, 11 साथ में 1 2 3 0। इसका मतलब कार ने 10 मिनट में 11000 मीटर दूरी तय कर ली। अब बच्चों देखिए, ये कार का पहिया है, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए, यहां से ये चक्का शुरू होता है, ये एक चक्कर इस प्रकार से लगाकर वापस ये बिंदु यहां पहुंचेगा, एक चक्कर में कितनी दूरी हुई, जितनी इस कार की परिधि है। ठीक है बच्चों। अब ये कंसेप्ट अलग है, ये जो नीचे लिखने जा रहा हूं ये कंसेप्ट अलग है, इसलिए मैं एक अलग कलर का पेन यूज कर रहा हूं ताकि आपको अलग से समझ आए। एक चक्कर में तय दूरी वह होगी कार की परिधि के बराबर, उसका फॉर्मूला है 2πr, यानी कि 2 गुना 22 बटा 7 गुना r। रेडियस कितनी है कार की, 40 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। यदि हम इसे आपस में गुना कर लेंगे, 22 दूनी 44, 44 को यदि 40 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 1760 बटा 7 सेंटीमीटर। ये कार ने एक चक्कर में दूरी तय की है। अब बच्चों ध्यान से समझना, अब हम यहां लिखते हैं, दस मिनट में हमें निकालना क्या है बच्चों, 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है या लगाती है। 10 मिनट में चक्करों की संख्या, कितनी हो जाएगी, 10 मिनट में कुल दूरी तय की है 11000
और यदि हम ये सेंटीमीटर है बच्चों, इसको मीटर में बदल दें तो इसको 100 से भाग कर देंगे तो ये बन जाएगा 700 मीटर। ठीक है बच्चों, 10 मिनट में चक्रों की संख्या है 11,000 बटा 10 मिनट में चक्रों की संख्या कैसे निकलेंगे, 10 मिनट में तय दूरी है 11,000, इसको एक चक्कर की दूरी से भाग कर देंगे यानी कि 1760 बटा 700 से भाग कर देंगे। तो आइए अब इसे हल कर लेते हैं, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, मीटर मीटर तो कट गया, ये आ गया 11,000, ये भाग है, भाग का बन जाएगा गुना और अगली रकम हो जाएगी उल्टी यानी कि 700 बटा 1760। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम इसे हल करके देखते हैं। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा और 11 के पहाड़े में 1000 गुना 11 11,000 और 11 के पहाड़े में 11 एकम 11, बाकी बचा 6, 17 में से 11 के 6, 6 और 6 66, 11 6 के 66, तो ये आ गया 16। ठीक है बच्चों, अभी फिर से ये 4 के पहाड़े में कट जाएगा, 4 चौके 16 और ये 4 के पहाड़े में कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 और 20, 4 5 20 और 7 में 0। फिर से ये 2 के पहाड़ में कट जाएगा, 2 दूनी 4 और ये कट जाएगा 125 और ये 2 के पहाड़ में फिर से कट जाएगा 35। अब हमारे पास यहां से बच गया है कटकटा के 125, सॉरी यहां से कट के बेटा ये बच गया है 125, आप ऑडियो के हिसाब से इसको देख लेना। ठीक है, ये बच गया है, देखिए मैं दोबारा समझा देता हूं, 11 के पहाड़े में ये कटा था 1000 गुना 11,000, तो 11 के पहाड़ में 1000 आया और 11 के पहाड़ में 176 को 11 से भाग करके आया 16, फिर 1000 को और 16 को दोनों को 4 से भाग कर दो, 16 को 4 से भाग करके आया 4 और 1000 को 4 से भाग करके आया 250, फिर से 2 से भाग कर दो, 4 को 2 से भाग करके आया 2 और 250 को 2 से भाग करके आया 125 और ये 2 कट गया 70 से 35। अब हमारे पास बचा 125 गुना 35। ठीक है बच्चों, और 125 गुना 35 जो है वह आता है 4375। इसका मतलब 10 मिनट में चक्रों की संख्या हो गई 4375। तो हमसे पूछा गया था 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है, तो हम लिख देंगे 10 मिनट में प्रत्येक पहिया 4375 चक्कर लगाता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि ये गति और किलोमीटर मीटर वाला प्रश्न था, कई बच्चों को यह थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा। तो बच्चों जहां से भी प्रश्न ना समझ आए आप वीडियो को पीछे जाकर एक बार दोबारा देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर आप अन्य प्रश्नों के वीडियोस देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ भी सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।